ओम शांति। 4 जुलाई 2021 की अव्यक्त मुरली से प्रस्तुत हैं 11 ज्ञान इंजेक्शंस। पहला, आदिदेव का अर्थ समझाते हुए ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा बोले, मीठे बच्चों, पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदिदेव नाम से ही है। आदिदेव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। दूसरा, सहनशीलता की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए मीठे बाबा बोले, प्यारे बच्चों, कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भाव से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। तीसरा, सर्वशक्तिवान बाबा ने समझाई विस्तार को सार में लाने की विधि। लाडले बच्चों, विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़ें, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। चौथा, सहनशीलता की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान सागर बोले, सिकिल थे बच्चों, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। पांचवा, मीठे बाप दादा ने सुनाई कुमार जीवन की विशेषता। मीठे बच्चों, कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। छठा, प्राणेश्वर बाबा ने स्पष्ट की कुमारों की परिभाषा। प्यारे बच्चों, कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखलाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो, उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो, ऐसे हो ना। सातवां, कुमारों को श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हुए बाप दादा बोले, लाडले बच्चों, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे, जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होंगी। आठवां, प्यार के समंदर बाबा ने माताओं को बताया याद करने का सहज तरीका। सिकिल थे बच्चों, कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। नौवां ज्ञान इंजेक्शन, शिव शक्ति की श्रेष्ठ स्मृति में टिकाते हुए सर्वशक्तिवान बाबा बोले,
मीठे बच्चों, कितना भी माया कोशिश करे लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकते। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। 10वां वरदाता बाबा ने बच्चों को दिया समस्या से मुक्त रहने का वरदान। प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कन्फ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। 11वां मोस्ट बिलव्ड बाबा ने समझाई संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि। लाडले बच्चों, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो ये थे 11 ज्ञान इंजेक्शन आज की अव्यक्त मुरली से। ओम शांति।